आज हर्षद के ऊपर गिरने वाला है एक एडल्ट डायपर। ये डायपर है किसका? उसे ढूंढने के लिए हर्षद होने वाला है हाइपर। लेकिन एडल्ट डायपर के नाम से सीनियर वागले के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आइए देखते हैं आखिर माजरा क्या है। वाह सर वाह। गिनती कर रहा है हाँ? मारे को बता कि इस मैटर के बारे में तेरे रूल बुक में क्या लिखा है? क्या लिखा है तू? अंदर मैंने पूरी रूल बुक चेक की, इसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। जो तेरी रूल बुक में लिखा ही नहीं तो तेरी रूल बुक को तू अपने अपने इस कचरे वाले राजकुमार को दे देना, वो डस्टबिन में फाड़ के फेंक देगा। ओ राजेश भाई, मारे को आप बताइए कि जब ये रूल बुक में ऐसा कोई रूल लिखा ही नहीं है जिसमें ये पेशाब से भरा हुआ बदबूदार एकदम बदबूदार डायपर किसी के चेहरे पे गिरे है तो उसे क्या पेनल्टी होगी? क्या पेनल्टी होगी? अरे बाप रे बाप रे। देखो भाई, मैटर तो बहुत सीरियस है। ये पेशाब की थैली है। ओ थैली नहीं राजेश भाई, थैली नहीं, ये डायपर। डायपर मेरे चेहरे पे गिरा तो इसलिए गीले हो गया। और नहीं तो क्या, ये इधर ऊपर से, ये इधर से किसी ने मेरे चेहरे पे डायपर मारा। अरे साहब साहब, पीछे बिल्डिंग के बहुत सारा कचरे का ढेर लगा रहता है, वहीं से किसी चील कौवे ने डाल दिया होगा लाके। अरे अब अभी जाके देखिए, ऊपर चील कौवे मंडरा रहे हुए बहुत सारे। चुप कर, दीवारी कहीं जा। ये मैटर को है ना, मैं इतनी आसानी से जाने दे दूंगा? देखो एक मिनट, सबसे पहले आप क्या चॉपस्टिक पे ऐसे नूडल पकड़ के खड़े इधर क्या? नीचे रखिए नहीं से। हाँ जी जी। अच्छा जैसे हर्षद भाई, मतलब तिवारी जी की बात सही भी हो सकती है। एग्जैक्टली exactly. अब चील कौवे क्या करते हैं ये मेरी रूल बुक में कैसे लिखा होगा? व्हाट? बहुत झलक। ये सोसाइटी कंपाउंड में हाँ दिन दहाड़े मेरे मुंह पे डायपर गिरा है, डायपर समझा? मेरा मुंह डस्टबिन बन गया है और तेरे को तेरे रूल बुक की पड़ी है। एक एक मिनट। अच्छा भाई, सबसे पहले आप नहा के आइए, उसके बाद में हम जाकर सोसाइटी में चेक करेंगे किसके घर में डस्टबिन नहीं है जो आपके मुंह को डस्टबिन बना दिया है। अगर ये दिवारी जी की बात सही निकली तो फिर मान के चलते कि किसी चील कौवे ने ये फेंक दिया होगा। यस एग्जैक्टली। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर सवाल मारे सर का है, मारे सर की बात है राजेश भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, बोल देता हूँ मैं। अब जाइए ना, ना क्या ना किए, बाद में हम पता करते। तू ना झूठ बोल रहा है, झूठ। गुनगुन दीदी से पूछ ले, जब तू 4 साल का था ना तो तू बेड गीला करता था और मैं बिल्कुल नहीं करता था। सगी दीदी से पूछ ले। हाँ। चलो गाइस अब आगे पढ़ो। ओके हां, एट एज 12 फ्रेंड्स का होना इज अ सक्सेस। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ो ना प्लीज। 16 साल की उम्र में अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो फिर तुम सक्सेसफुल हो। वन वेता हाँ, 35 की उम्र में सक्सेस का मतलब पैसा। 45 की उम्र में अगर आपके पास अपनी कार है, अपना घर है तो आप सक्सेसफुल हो। नाइस। 60 की उम्र में अगर आपके पास पैसा हो, अपनी कार हो तो आप सक्सेसफुल हो। 70 की उम्र में अगर आपके पास फ्रेंड्स हो तो आप सक्सेसफुल हो। और अगर 75 की उम्र में भी आप फिट हो, हेल्दी हो, रोज 5 किलोमीटर की वॉक पर जाते हो, अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो तो आप सक्सेसफुल हो। नाइस। बट नो चाइल्ड लाइक बिहेवियर, हंसने और खेलने के अलावा।
और चाइल्ड लाइक बिहेवियर क्या होगा? या विवान इज राइट, आई मीन हंसने और खेलने के अलावा और चाइल्ड लाइक बिहेवियर क्या होता है? मुझे पता है कि चाइल्ड लाइक बिहेवियर क्या होता है। क्या होता है? क्या होता है? डाइपर पहनना। डाइपर? हाँ, डाइपर तो बच्चे ही पहनते हैं ना, तो हुआ ना चाइल्ड लाइक बिहेवियर। तुझे कैसे पता? आपको राजेश अंकल ने बताया नहीं क्या? आज मेरे पापा के सर पर गीला गंदा बड़ा डाइपर गिरा था। पापा मम्मी को बता रहे थे कि हमारी बिल्डिंग में कोई डाइपर पहनता है। हमारी बिल्डिंग में? हाँ, हमारी बिल्डिंग में। मुझे तो लगता है हमारी बिल्डिंग में किसी के दादाजी डाइपर पहनते हैं। लेकिन किसके दादाजी डाइपर पहनते हैं? मुझे क्या पता। ए, तू मुझे क्या देख रहा है? दादाजी ही क्यों, किसी के नाना जी भी हो सकते हैं। तेरे नाना जी आए ना बिल्डिंग में। इम्पॉसिबल, मेरे नाना जी के पास 60 की उम्र में सब था, बहुत सारे पैसे, कार और फ्रेंड्स भी थे। थे क्या, अभी भी है। He is our hero, और हीरो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो 70 इयर्स के हो या 75 इयर्स के हो। मेरे दादाजी भी हीरो है और मैं तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा। अथर्वा! क्या? अथर्वा! दादाजी! 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 ओहो! अरे! क्या हुआ? मुझे एक सवाल पूछना है और आपको उसका जवाब देना है, ओके? पूछो। तो ये जो मैगजीन है? नहीं, कोई सवाल नहीं होगा दादाजी से। क्यों? वो मैगजीन दे, डर मुझे। अरे नहीं, नहीं बोला ना मुझे, नहीं, नहीं, कोई सवाल नहीं होगा। अरे राजू, क्यों झगड़ा कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? मम्मा इसे बोलो ना, ये फालतू में जिद कर रहा है। नहीं, मुझे दादाजी से एक सवाल पूछना है और विद्युत को जवाब देना है कि हमारे दादाजी हीरो थे, हीरो है और इस उम्र में भी रहेंगे। हाँ तो इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो फैक्ट है कि पापा हमेशा से हमारे हीरो थे, हीरो हैं और हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। फिर भी इस मैगजीन में जो भी लिखा है वो मुझे एक बार दादाजी से कंफर्म करना है। हमारे दादाजी कल भी हमारे हीरो थे और आज भी है। कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं। मैगजीन दो ना, फिर भी मुझे मैगजीन दो ना। दो सखी। अरे क्या है इस मैगजीन? सत्तर की उम्र में भी अगर आपके पास फ्रेंड्स हों तो आप सक्सेसफुल हैं, और अगर 75 की उम्र में भी आप फिट हों, हेल्दी हों, रोज 5 किलोमीटर की वॉक पर जाते हों, अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हों तो आप सक्सेसफुल हों। बट नो चाइल्ड लाइक बिहेवियर, हंसने और खेलने के अलावा। क्या लिखा है? अरे इतने सीरियस क्यों हो गए? लाइए मुझे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या करोगे देखकर? सखी ने तो ठीक ही कहा है, उसके दादाजी हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। सुपर। अथर्व जी, हो गई तसल्ली? हो गया ना पोपट, जब मैं बोल रही थी तब नहीं समझा, आया बड़ा मुंह उठा के। हाँ हाँ ठीक है, मैंने दादाजी से यही आंसर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपकी छीना झपटी की वजह से पता चल गया कि आपका दादाजी पे कॉन्फिडेंस बहुत लो है। लेकिन मैं आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ माय दादाजी, है ना? यस! तू मुझे ये मैगजीन। अरे आराम से, लड़ो मत। ये बच्चे भी ना क्या क्या सवाल पूछते हैं। सुनिए, उठिए ना। क्या सुबह सुबह झल्ला रही हूँ राधिका? नहीं नहीं, झल्ला नहीं रही हूँ, चादर धोनी है ना।
इसलिए निकालनी मुझे चादर। रोज रोज चादर बदलने की क्या जरूरत पड़ गई है? वो गीली हो गई है ना, गीले में सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। उठिए ना, चादर गीली हो गई। हो गई तसल्ली। उठिए। बच्चों से कह तो दिया कि मैं आज भी उनका हीरो हूं, लेकिन क्या इस उम्र में भी मैं उनका हीरो रह पाया हूं? ना, पता नहीं। पापा, अरे सोसाइटी के मित्र मंडल का फोन बज रहा है, आपने फोन नहीं लिया? यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे गए नहीं टहलने? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर चलिए ना, यहाँ पे लीजिए। क्या हुआ, मैं बात करूँ उनसे? क्या आ रहे हैं? लीजिए, बात कीजिए, बात मत कीजिए अब, चलिए मेरे साथ, चलिए। जा रहा हूँ बाबा। आइए आइए, घर पे मत बैठिए आप, थोड़ी चहलकदमी कीजिए, जरा गप्पे मारिए। हाँ। आइए। अरे मम्मी की दवाइयाँ रखी मैंने यहाँ पर। आइए। वर्ल्डविंड को तूफान नहीं बवंडर कहते हैं। तो तूफान और बवंडर एक ही चीज होती है? एक चीज नहीं होती बाबा, तूफान को इंग्लिश में स्टॉर्म कहते हैं, दोनों अलग अलग है। मम्मा दीदी को समझा दो कि तूफान और बवंडर एक ही चीज होती है। हाँ प्लीज इसे समझाओ। मैं बताता हूँ, हर्षद भाई और दक्कू भाई जब आमने सामने आते हैं ना, तब तूफान आता है। ओके, सौ साल जिए दक्कू भाई। हाँ दक्कू भाई, ओके ओके। और बवंडर जो अभी आने वाला है। हेलो, कहाँ जा रहे हो? आज सुबह हर्षद भाई के सर पर एक एडल्ट डायपर गिरा, हर्षद भाई ने पूरी सोसाइटी अपने सर पर उठा ली। हमारी सोसाइटी में किसी ने एडल्ट डायपर फेंका? बिल्डिंग के हर एक फ्लैट में जाके पता कर, किसी ना किसी का तो होगा। अभी पकड़ा जाएगा चोर, बता कर, फोन लगा तू, लगा नहीं तो मैं अभी। अरे सर, एक मिनट, आपका वो फोन आया था, चोर पकड़ा गया? अरे पकड़ा नहीं गया तो पकड़ा जाएगा राजेश भाई, क्योंकि ये देखिए चोरी का सामान तो हाथ लग ही गया है ना। ये देखिए ये एडल्ट डायपर है ना, मैं ना कहता था अपनी बिल्डिंग में से गिरा है, कोई चील कौवे का काम नहीं है ये, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? ये देखो इसके अंदर एड्रेस और इसका नाम बारिश की वजह से मिट गया है। मारे को वो चोर चाहिए, मुझे उस चोर का गला पकड़ना है, छोड़ूंगा नहीं। एक अर्जा था, बार बार चोर मत बोलिए, तो मजबूर इंसान होगा, उसकी मजबूरी है, उस उम्र में इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ। कोई ऐसे शौक के लिए नहीं पहनता है ये डायपर। जरा शांत रहिए। तिवारी जी, पता चला किसका है ये? अब हर फ्लैट में जाके पूछा, कोई भी नहीं बता रहा है कि उसका पार्सल है। यार जिसका भी होगा उसके लिए बहुत जरूरी सामान है ये हमने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया ना, इसीलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। राजेश भाई, हाँ, एक काम करते हैं। हाँ, ये पार्सल जिस कुरियर कंपनी से आया है ना, हम उसे वापस कर देते हैं, और जिसको भी जरूरत होगी वो ये डायपर वापस मंगवाएगा ही ना। जरूरी नहीं हर बार नाम और पता मिट जाए। तिवारी जी 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 जी, सही बात है राजेश भाई, मैं ना कहता था ये अपना झालर हीरा है हीरा। मैं भी है ना इस बार चौकन्नी नजर रखूंगा, चील वाली नजर, चील वाली, और तू है ना कौवे वाली नजर रखना। फॉलो मी। उड़ूंगा नहीं आज उसको। राजेश जी बेटा, आज पापा पार्क में नजर नहीं आए, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो मिलते हैं। हाँ
क्या हुआ राज, कुछ पता चला? नहीं, पता क्या चलना है, डायपर ही तो गिरा है, बम थोड़ी गिरा है किसी के सर पे। अर्शद भाई खामखा बात का पतंगड़ बनाते रहते हैं। नीचे लॉबी में एक पार्सल आया एडल्ट डायपर का, कोई उसे लेने ही नहीं आ रहा है। राज, ने ध्यान से ऊपर क्या देख रहे हो? वही पुराना पंखा है। बंदू, जब हमारी कुछ समझ में नहीं आता तब हम सीलिंग को देखकर उसमें सॉल्यूशंस क्यों ढूंढने लगते हैं? You know, मुझे तो सारे सॉल्यूशंस तुम्हारी आंखों में देखकर मिल जाते हैं। अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? पापा कितना अजीब बिहेव कर रहे थे आज, मुझसे कहा कि पार्क जा रहा हूँ लेकिन गए नहीं, और अभी देखो ना हमारे कॉन्वर्सेशन में भी शामिल नहीं हुए, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे, कुछ अजीब तो है। हाँ, पर मतलब इतनी सी बात पे परेशान क्यों हो रहे हो? सुबह पापा के साथ चाय पे चर्चा कर लेना, सब पता चल जाएगा, और अगर वो कुछ छुपा भी रहे ना तो हमें जरूर पता चल जाएगा। इतना मत सोचो। राधिका, क्या है? ये रोज रोज चादर बदलना, बिस्तर के नीचे प्लास्टिक बिछाना, हम क्या बच्चे रह गए जो बिस्तर के नीचे इस तरह से प्लास्टिक बिछाया जा रहा है? बच्चे नहीं है, लेकिन जिस उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हमारी आदतें बच्चों जैसी हो सकती है ना, कॉमन है, सो जाइए। राधिका तुम्हें क्या लगता है ये डायपर किसने फेंका होगा? आपने नहीं फेंका ना? नहीं। फिर सो जाइए ना। राधिका, क्या है? नहीं बताओ कि क्या रात में सचमुच मुझसे बिस्तर गीली हो जाती है? इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। अरे उम्र है, कभी ना कभी होगा, ये मुझसे भी गीला हो सकता है ना। सो जाइए। दादाजी कल भी हमारे हीरो थे और आज भी है। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ माई दादाजी। गीला नहीं हुआ बिस्तर, कुछ पता चला? आप खुद ही देख लीजिए। पापा तिवारी। जी साहब। व्हाट? मैंने तुम्हें कहा था ना ये पार्सल वापस कर देना, तुमने किया क्यों नहीं, यहीं क्यों रखा? अब अथर्व बाबा ने मना किया था ना, इसलिए। देखो ये डायपर का पार्सल जिस किसी का भी है
उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये पार्सल उन तक पहुँचाने में उनकी हेल्प करनी है। अब डैडी ने बोला था कि हम ये पार्सल वापस भेज दें, लेकिन तिवारी अंकल अपने पास रिसेप्शन काउंटर पे रखेंगे। अब ये बात आपको अपने अपने घर पे जाके फैलानी है, तो जिस किसी का भी ये पार्सल होगा वो यहाँ पे आके जरूर लेगा। ओके, अंडरस्टूड? यस। साहब, बच्चों की नीयत में खोट नहीं थी, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। बच्चों का इरादा किसी की सहायता करने का था, जासूसी करने का नहीं था साहब। पर ये सब घटना इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी, इसके बारे में उस समय हमने किसी ने नहीं सोचा था साहब। हेलो जी, परेश भाई बोलिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, जी जी जी, ओके। तिवारी जी साहब, वो पार्सल पास वाली नीलकंठ सोसाइटी का है, वहां देखकर आना। फिर पप्पा को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.